हेलो फ्रेंड्स सेल्फ नदीम टीम केमिस्ट्री तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एम टी एस जीरो टू सेवन डी सी एम है जेई दो हजार बाईस का जिसमें मैं डील करूँगा फिजिकल का पार्ट ठीक so, है तो सेक्शन ए से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कंप्लीट कम्बेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पी फॉर्म एक्स मोल ऑफ एच टू वाई मोल ऑफ सी ओ टू अब देखिए कोई हाइड्रोकार्बन है मान लेते हैं ये ए है एच क्या है बी इसको ऑक्सीजन से रेशन कराया तो ये देगा सी ओ टू प्लस एच टू ओ सी ओ टू प्लस एच टू ये वन मोल है अब इसने बोला हुआ है कि P ये कोई P था X मोल एच टू वो दे रहा है ये X हो गया और Y मोल ये अच्छा और भी बोला है कि एक्स इक्वल टू वन पॉइंट फाइव टू है इसमें कार्बन एटम अगर कंजर्व करोगे तो वन इन टू क्या हो जाएगा एक्वल टू वाई इंटू वन बी निकालना है तो हाइड्रोजन को कंजर्व करना पड़ेगा तो वन इंटू बी इक्वल टू टू इंटू एक्स अच्छा इक्वल टू अब x की वैल्यू कितनी है वन वाई तो 1.5 पॉइंट फाइव तो कितना हो जाएगा थ्री वाई सही है तो देखो a बाई बी का रेशियो क्या आ रहा है 1 बाई थ्री तो रेशियो क्या आ रहा है वन रेशियो थ्री अब वन रेशियो थ्री तो कोई फॉर्मूला होता नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या ले लोगे इसका है सी टू एच अब इसमें पूछा क्या है वॉल्यूम ऑफ सी ओ टू प्रोड्यूसलीट कम सी ओ टू प्रोड्यूस तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना अब आप देखो तो हमारे पास है सी टू एच सिक्स प्लस सी ओ टू प्लस एच टू बैलेंस कर लेते हैं यहाँ पे टू आ जाएगा यहाँ पे थ्री आ जाएगा सेवन हो गया ये सेवन बाई टू हो गया ये वन मोल है इसका वन मोल कितना दे रहा है टू मोल कितना हो गया एस टीपी पर टू इंटू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर फोर्टी फोर पॉइंट एट लीटर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स पी नॉट ए दिया हुआ है और ऑब्जर्ड वेपर प्रेशर देखो टू लिक्विड का फाउंड टू बी इतना ऑब्जर्व वेपर प्रेशर क्या है इतना मोल तो पहले तो देखते हैं पी आइडियल कितना था पी एस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट ए कितना है हंड्रेड एक्स ए एक कितना है पॉइंट सिक्स पी नॉट बी है वन ट्वेंटी एक्स भी कितना होगा पॉइंट फोर तो ये हो जाएगा सिक्सटी तो आइडियल से देखो ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आइडियल तो 108 होना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन है सोल्यूशन शो सो अब इसमें एक एग्जाम्पल भी है ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन ये तो नेगेटिव डेविएशन देता है एसीटोन टोनॉर्मली तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है नेक्स्ट, द कंपाउंड इन विच मेटल एग्जिबिट्स मोर देन वन ऑक्सीडेशन तो देखो एक तो ये हो गया क्योंकि ये मिक्सचर है ऑक्साइड क्या है एफ ओ प्लस एफ ओ थ्री तो इसमें इसमें प्लस टू है इसमें क्या है प्लस तो ये आप देखते हो इसको बोलते हैं क्या डिफेक्ट आता है ना डिफेक्ट पड़ा होगा डिफेक्ट्स तो ये कब होता है ऐसा जब हम एफ ओ था हमारे पास और इसमें इससे इस पर प्लस टू है इसमें जब हायर चार्ज हम डोप करते हैं डोप करते हैं तब ये नॉन ये आता है स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट आ जाता है ना इस तरह का डिफेक्ट आ जाता है तो इसमें भी प्लस टू भी है और क्या है प्लस थ्री भी है बाकी तो इसमें तो देखो प्लस थ्री आएगा इसमें भी क्या आएगा प्लस थ्री आएगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ आंसर चला डिफेक्ट वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा ना PTCl4 6H2O एल फोर सिक्स एक्सिस्ट एज अ हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स वन एम ठीक है सोल्यूशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हंड्रेड परसेंटनाइजन के बीव दिया है देन कॉम्प्लेक्स तो आप जानते हो डेल्टा इक्वल टू तो आई के बी इन टू एम अब डेल्टा टीवी कितना आएगा इसका वन पॉइंट जीरो फोर है ना एंड बॉय एलिशन डेल्टा टीवी दिया है सॉरी डेल्टा टीवी दिया हुआ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है वन पॉइंट जीरो फोर आई निकाल लेते हैं केबी हमारे पास कितना है पॉइंट फाइव टू मोलाइलिटी कितनी वन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी करोगे ना आ जाएगा और हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन आई की वैल्यू किसके बराबर मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएट होने के बाद टू मोल्स ऑफ आयन दे ऐसा कौन सा है ऐसा आएगा थर्ड वाला थर्ड हो गया आंसर नेक्स्ट विच आर द फॉलोइंग सोलूशन डज नॉट एक्ट एज ए बफर तो so, बफर में क्या होता है एक वीक एसिड वीक बेस होता है उसी का स्ट्रॉन्ग बेसिड स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होता है उसी का तो देखो एक ये एसिड है उसी का सॉल्ट है एसिड है उसी का सॉल्ट है ये सॉल्ट ये देखो स्ट्रांग एसिड आ गया है. ये क्या है स्ट्रांग एसिड तो ये गड़बड़ हो गया वीक एसिड उसी आंसर तो कौन सा हो जाएगा थर्ड डज नॉट एक्ट एज ए बफर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट वन एम सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट सी एच थ्री सीओ एन एच फोर इज दीक एसिड एंड वीक बेस पी एच दिया हुआ है हंड्रेड एम एल ऑफ दिस सोल्यूशन डायलूटेड विद हंड्रेड एम एल ऑफ वट इज द पी एच ऑफ रिजल्टिंग अब आप देखो डायलूट करोगे तो कंसेंट्रेशन तो, तो चेंज होगा बट आपको अगर इसका फॉर्मुला याद हो Salt है लो, तो हाइट इक्वल टू इसका क्या होता है सेवन प्लस माइनस मतलब इस सॉल्ट का पी एच कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता तो चाहे डायलूट करो मत करो कंसेंट्रेशन बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पीएच क्या रहेगा कांस्टेंट मतलब सिक्स पॉइंट नाइन है तो क्या रहेगा सिक्स पॉइंट नाइन ही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन

बाई हंड्रेड यह आ जाएगा पुट करो इसमें तो लैमडा इक्वल टू एच अपॉन एम इन टू लैमडा बाई हंड्रेड इधर आ जाएगा यह ये? ये क्या हो जाएगा लैमडा स्क्वायर हंड्रेड उधर हो जाएगा हंड्रेड एच अपॉन एम अब लैमडा रूट ले लो तो टेन तो ये बाहर आ जाएगा रूट ऑफ क्या आ जाएगा एच अपॉन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओके अब नेक्स्ट सेक्शन सेकंड में चलते हैं सेक्शन बी में इंटीजर टाइप है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मिडल कार्बन तो सी थ्री ओ टू का स्ट्रक्चर बना लो ठीक है ये करोगे ब्रेक प्लस टू आएगा यहां करोगे प्लस टू आएगा इसके इसके ब्रेक करने से क्या आएगा जीरो तो आंसर इसका कितना हो जाएगा जीरो ठीक है नेक्स्ट अलूशन कंटेन और ये, यस yes. तो बफर बना दिया एसिडिक बफर है तो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड जितना सॉल्ट है उतना ही एसिड है दोनों कंसेंट तो पी एच इक्वल टू क्या आ गया इसका तो ये लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो पी एच इक्वल टू क्या आएगा पीके ए अब दिक्कत ये है कि इसमें पी के वन भी है पी के टू भी है तो देखो ये जो पहला तो निकल चुका है अब दूसरा वाला पार्टिसिपेट करेगा ना जो इसमें जब डिसोसिएट करोगे इसको तो ये क्या देगा एच सी ओ थ्री नेगेटिव और ये क्या है सी ओ थ्री डबल माइनस अब कौन सा देगा बफर जब बनेगा बफर वाला जब डेरिवेशन करोगे तो इसमें क्या देगा एच प्लस प्लस सी ओ थ्री माइनस और ये कॉमन आयन लग जाएगा यहाँ पे मतलब कुल मिला इसका कौन सा बफर बफर में काम आने के लिए कौन सा एच काम आ रहा है सेकेंड वाला तो जब सेकेंड डिसोसिएशन हो रहा है तो पी के तो लेंगे नहीं क्या लेंगे पी के ए टू तो आंसर सीधे कितना हो जाएगा इसका एलेवन नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन स्पेक्ट्रल लाइन इन द ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट नाइन्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है टेन से आ रहा है किसमें वन में टेन से आ रहा है किसमें वन में चाहे तो आप बना लो ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बनाकर दिखा देता हूं आपको वैसे तो डायरेक्ट भी होता है इसका बनाकर देख लो सबसे अच्छा तो यहाँ से शुरू करते हैं देखो ये वन हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नाइन इसका मतलब यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट अब यह है लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट ब्रैकेट में ही तो पूछा है ना ब्रैकेट तो देखो कैसे कैसे आ सकता है यहाँ से ऐसे आ सकता है ये हो गया ये हो गया ये हो गया हाँ ठीक है ये हो गया ये हो गया ठीक है ऐसे ऐसे आ सकता है ना ये हो गया अब देखो यहाँ से स्टार्ट कर लो ये हो गया फिर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं अपन ये बात हो गई ठीक है आगे बढ़ जाते हैं ब्लू ले लेता हूं यहां से स्टार्ट कर लेते हैं फिर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है फिर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ब्रैकेट तक जाना है ठीक है फिर यहां से स्टार्ट कर लेते हैं ऐसे ब्रैकेट में कितनी लाइन आ रही है देखो अब ब्रैकेट में कितनी लाइनें आ रही हैं? एक दो तीन चार पांच छ अब तो यहां से स्टार्ट कर दिया ब्रैकेट तब तो, तो नीचे चली जाएगी ना तो ब्रैकेट सीरीज में कितनी लाइन आई है सिक्स लाइन आई यस बना दिया अभी। ऐसे मतलब बेसिक कंसेप्ट तो अपना यही है ठीक है चलो भाई ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपको दूसरे वाले सर करवाएंगे ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम थैंक यू वेरी मच हेलो बच्चों कैसे हो आप होपफुली एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा माई सेल्फ यशस्व राठौर टीम सी एल सी केमिस्ट्री फैकल्टी देखो बच्चों यहाँ एक्चुअली क्या है क्वेश्चन नंबर एट को डिस्कस करेंगे ये लिखा है सोडियम सल्फाइड इससे कंबाइन करता है इसका फार्मूला क्या है नाम क्या है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अब ये एक्चुअली क्या है यहां पर एनओ प्लस में है और ये सल्फाइड है तो बच्चों एक्चुअली जो कंबाइंड होता है कंपाउंड देखो ये सल्फाइड ये और प्लस एनओ इनके बीच रिएक्शन होता है एक्चुअल में तो ये रिएक्शन होकर के एनओ में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है और इस तरह से एक एम्बिडेंटेड बिहेवियर भी हो जाता है एम्बिडेंटेड लिगेंड की तरह हो जाएगा ये और यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों तो ये एक्चुअल में और और ये FE, CN, 5 और ये होल ऐसा करके कंपाउंड बनेगा तो देखो ये तो हो गया इसका करेक्ट मालिकुलर फार्मूला पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देखो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट एक्स के बारे में तो एक्स ये है मैंने बता दिया करेक्ट मालिकुलर फार्मूला ये सही है है ना कलर ऑफ दी कंप्लेक्स एक्स अच्छा बच्चों क्योंकि कलर में कोई कंसेप्ट नहीं होता है कलर आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों ठीक तो पर्पल या वायलेट आप भी कह सकते हो दोनों एक ही बात है पर्पल वायलेट दोनों बच्चों ठीक ये भी करेक्ट है इसके बाद कंप्लेक्स एक्स इज ए डायमैग्नेटिक

ना सिक्स पूरा का पूरा पेयर्ड हो जाएगा और आपका इजी का पूरा का पूरा ये वैकेंट रहेगा बच्चों तो इस तरह से डी के बारे में अपन देखते हैं तो ये भी डाया होगा तो ओवरऑल आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा बच्चों ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें सारे मल्टी कंसेप्ट को यूज किया है बच्चों अगला सवाल है बच्चों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर नाइन है बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइन में यह लिख रखा है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी कंप्लेक्स ये लिखा है बच्चों NiCl2 और बिस ट्राइफेनाइल फॉस्फिन तो बच्चों एक्चुअली क्या है इसको देखना ये स्पेशल केस है निकिल का डाइक्लोराइड वैसे डब्ल्यू एफ है ट्राइफ़िनाइल फॉस्फिन वैसे देखो ये एस है लेकिन ये स्पेशल केस है एक्सेप्शन है बच्चों तो आपको ये देखना है इस पर टू है टू है थ्री होता है ये पता होना चाहिए ये एस है ना टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये पेयरिंग नहीं कराता बच्चों क्या लिखोगे नो no पेयरिंग तो दिस इज द स्पेशल केस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो आप यहीं पर देख लो थ्री डी है आपको पता चल जाएगा आप बॉक्स डायग्राम बना दो बीबीटी से तो ये देखोगे ऐसे ऐसे एट इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे भरोगे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो अब आप ये देखिएगा चेक करिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगा और ये टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा तो बाकी ऑप्शन नहीं होंगे ये ध्यान रहे ऑप्शन सेकेंड तो क्वेश्चन है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर हो जाएगा बच्चों अगला सवाल बच्चों जो बच्चों क्वेश्चन नंबर है तो क्वेश्चन नंबर टेन में क्या कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट सेल्फ रिडक्शन तो सेल्फ रिडक्शन प्रोडक्शन जो अपने आप हो जाता है ठीक है तो गिबेन रिएक्शन है इस गिबेन रिएक्शन में आपको बच्चों पहचानना है कि कौन सेल्फ रिडक्शन है है ना यानी सेल्फ रिडक्शन में आप पढ़ते क्या हो कि दो डिफरेंट कंपाउंड है ना सीधे मेटल में, में रिड्यूस हो जाए ठीक है, तो है. ये ये है, है, है बच्चों क्या है बच्चों का रिएक्शन है ये भी नहीं होगा आंसर में अब यहां पर देखो ये कॉपर सल्फाइड वैसे मेनली मेटल सल्फाइड के लिए एप्लीकेबल होता है मेटल सल्फाइड को जब मेटल ऑक्साइड के साथ हीट कर देते हैं एक तरह से एक कंप्लीट रोस्टिंग कहलाता है और इसी को हम लोग सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं तो ये मेटल एंड प्लस एसओ में कन्वर्ट हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा आंसर आपका थ्री होगा पहला नहीं होगा दूसरा नहीं होगा और ये बेटा ये सीओ ये कार्बन रिडक्शन है कार्बन रिडक्शन मतलब कार्बन रिडक्शन सीओ रिडक्शन सीओ रिडक्शन भी है ना इट इज अंडर दी कैटेगरी ऑफ कार्बन रिडक्शन इसके अंदर आ जाएगा बच्चों तो ये भी नहीं होगा आंसर द बेस्ट आंसर विल भी थ्री अगला क्वेश्चन बच्चों अगला क्वेश्चन इलेवन नंबर तो इलेवन नंबर ये कह रहा है बच्चों विच ऑफ देखो बच्चों विच ऑफ करेक्ट अब ये स्ट्रक्चर के बारे में दिया है बच्चों तो जैसे SO9 ट्राइमर ऑफ SO3 तो इनका सबका स्ट्रक्चर बना लो बच्चों जैसे SO3 है ये ट्राइमर है तो ये SO9 है इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए तो ये इस तरह से SO S ये आपको पता होना चाहिए ठीक है यहां पर ये डबल तो ये देख लिया नो एस एस लिंकेज तो बिल्कुल यहां पर बच्चों SO S लिंकेज आता है क्या होता है बच्चों एसओ एस लिंकेज ध्यान रहे ये एसओ एस लिंकेज आएगा तो एसओ एस लिंकेज आएगा तो नो एस एस लिंकेज तो ये जो है तो करेक्ट होगा ठीक बाकी S2O6 टू कंटेन ये इसका भी स्ट्रक्चर बना लो ये है ना आपका डाई थायोनेट है बच्चों तो सल्फर सल्फर ये बेटा एस एस लिंकेज आता है ये ध्यान आपको रहे ये कौन सा लिंकेज आता है

एस ऐसा लिंकेज आता है ठीक है ये पराक्सी लिंकेज आता है ये आपको ध्यान देना है कौन सा लिंकेज आता है ये ये पराक्सी लिंकेज ये देखो कौन सा लिंकेज आता है पराक्सी लिंकेज ठीक तो ये लिखा है लिंकेज तो ये गलत हो जाएगा तो ये एक एक स्ट्रक्चर को आपको ड्रा करके सीखना है बच्चों अगला सवाल ठीक अगला सवाल है अगला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये कहता है बच्चों कि हाइड्रोलिस ऑफ जीनॉन

और ये आपका 6hf बनेगा लेकिन अगर आपने है ना बेसिक मीडियम क्या लिखा बच्चों बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम मतलब oh आयन चेंज कर दीजिए मतलब oh आयन दे दीजिए यानी nh4oh जो भी है आप दे दीजिए तो बच्चों ये एक्चुअली क्या होता है ये जिनेट आयन बनता है सबसे पहले क्या बनेगा जिनेट आयन xex a a hxco4 माइनस और फिर ये स्लोली डिसप्रोपोर्शनेट करता है डिसप्रोपोर्शनेशन ठीक है विषमानुपातन रिएक्शन शो करता है बच्चों तो डिस्प्रपोर्सनेट करके यहां ऑक्सीडेशन चेंज नहीं है ऑक्सीडेशन सिक्स है यहां भी सिक्स था यहां भी सिक्स है ठीक है अब ये फाइनल जो कन्वर्जन होगा ये एक्सी ये 4- माइनस इसका नाम है आपका परजीनेट आयन क्या नाम है बच्चों परजीनेट आयन और ये डिस्प्रपोर्सनेट हो गया यहां पर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एट प्लस आएगा अब देखो यह जीना डिस्प्रोपोशनेट कर रहा है बेसिक मीडियम में और यहां पर बच्चों जीनॉन गैस बनेगा साथ में आपका यह बनेगा ओ गैस बनेगा ठीक है और प्लस जो भी OH के साथ बाकी ये एच बन जाएगा देखो बच्चों तो यहां पर आपको यह देखना है कि फाइनली हाउ मेनी गैसियस प्रोडक्ट तो हाउ मेनी गैसियस प्रोडक्ट्स तो आप ये देखोगे एक जीना गैस और ओ टू बनेगा है ना बाकी ये सब ये तो इंटरमीडिएट मैंने बता दिया है तो बच्चों बेस्ट आंसर जो है तो आपका टू होगा बाकी कोई भी आंसर ऑप्शन में नहीं होंगे ठीक है बाकी ऑप्शन मतलब गलत है अगला क्वेश्चन बच्चों ठीक तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन कहता है एमई एस आई सी एल थ्री अब इसको देख लो इसको हाइड्रोलिस करते हैं ए बनता है है ना ए में क्या बनेगा बच्चों ये देखो एम ई हाइड्रोलिस आप करते हो तो एस आई ओ एच होल थ्री ये बनेगा यानी कंडेंसेशन करेंगे तो बच्चों एक चीज ये ध्यान दो यहां पर si तीन si, तीन कन्वर्ट OH होगा जब आप कंडेंसेशन करेंगे ना बच्चों तो ये एम ई ये एस si, आई ध्यान से देखना ये ओ है ना इस तरह से ये ओ और ये ओ ऐसा लिंकेज शो करेगा ठीक है ये एस आई ये आपका एम ई ये आपका ओ ये ओ और ये एस आई और ये एम ई और ये ओ और ये ओ और ये एस आई ठीक है बच्चों और ये एम और इस तरह से ऐसा इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन ब्रांच सिलिकॉन तो ये आपको ध्यान रहे थोड़ा सा बता दिया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल आते हैं और पूछ चुके हैं तो ये ब्रांच सिलिकॉन बनेगा लिनियर नहीं बनेगा साइक्लिक नहीं बनेगा डाई सिलिकॉन नहीं बनेगा ओनली विल बी दर्ड ऑप्शन ठीक है अगला सवाल बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये कह रहा है बच्चों देखो

तो ये एक्चुअली अनसिमेट्रिकल बाउंड क्लीवेज बनाता है बच्चों ये एक्चुअल में ये क्या बनाएगा अनसिमेट्रिकल बाउंड क्लीवेज यानी ये एक केटायन बनाता है बच्चों और एक आपका इनायन बनाता है ठीक ये देखोगे इनायन केटायन और इनायन अब यहां से दो बातें आती है देखो बच्चों अगर आप मान लो इसको 140 या 150 के अप्रोक्सीमेट देखो टेम्परेचर मतलब ये इंटरमीडिएट है अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर ये 140 से 60 के बीच ये लगभग इस टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो बच्चों ये बोरा जीन बनता है b3n3h6 एंड प्लस h2 ये देखो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा देखो ये बनता है बोराजीन इसका नाम क्या है बच्चों बोराजीन कहते हैं बोराजोल कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं तीनों नाम से ये फेमस है तो बोराजीन ये हो जाएगा और अगर मान लो बच्चों यहां पर नहीं दिया है पर मैं एक स्टेप आपको बता देता हूं अगर 450 से है ना 450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब इस टेम्परेचर को अपन हाई टेम्परेचर बोलते हैं तो हाई टेम्परेचर पे आप हीट करोगे ना बेटा तो ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनता है क्या बनता है बच्चों इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट ये ध्यान रहे तो ये नहीं होगा ये इसीलिए टेम्परेचर इसको बोलते हैं मॉडरेट है ना टेम्परेचर तो मॉडरेट टेम्परेचर पे इनऑर्गेनिक बेंजीन बनेगा बेस्ट ऑप्शन आपका ये बनेगा ये सब कुछ नहीं बनेगा बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों ठीक तो अगला क्वेश्चन हमारा इंटीजर आएगा बच्चों देखो इंटीजर में देखो अब इंटीजर इनऑर्गेनिक का इंटीजर आपको देखना है, four, ये है, ठीक? इसे हीट करते है गैस वाई देगा ये कंपाउंड देता है ये कंपाउंड इसका पक्का पता है कि ऑरेंज सॉलिड दिया है इधर क्रोमियम और वाटर दिया देखो तो दिमाग में दो बातें आती है यहां पर एक तो आती है ये कि हमारे को ऑरेंज सॉलिड है तो ये सीधा सीधा दिमाग में ये जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा है ना तो इसको हीट करेंगे देखो तो बेटा यहां हाइड्रोजन नहीं है यहां साइड में हमने वाटर बना रखा है तो इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं है आपको ऐसे सोचना है तो इसका मतलब एक और भी दिया जाता है अमोनियम डाइक्रोमेट ये देखो बेटा ठीक है तो ये ऑरेंज सॉलिड देखो ऑरेंज सॉलिड का मतलब ये होता है ऑरेंज जो कंपाउंड है वो डाइक्रोमेट इनायन के कारण बनता है इसमें केटायन का कोई रोल प्ले नहीं होता है बच्चों ये बात ध्यान देना तो इसलिए जब आप इसे हीट करोगे बेटा तो ये बनेगा आपका ए, क्या ये क्या बोलते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एनायनिक पार्ट है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एनायनिक पार्ट है तो ये चीज जो है तो ये प्लस सिक्स, इसको ऑक्सीडाइज करेगा अमोनिया माइनस थ्री में रहता है अमोनिया माइन है लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री में रहेगा ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा ये एन गैस देगा फिर ये इस तरह से सीआर टू ओ थ्री प्लस एच टू ये बन जाएगा अब ये एन टू गैस को क्या किया है बच्चों? देखो यहां पर ये N2 गैस है। इस एम जी मेटल से रिएक्ट करा दिया तो बच्चों ये N2, ये व्हाइट सॉलिड ये बन गया इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया बच्चों देखो आपको हाइड्रोलिसिस पता है कि नाइट्राइड माइनस थ्री में है बच्चों। अगर ये माइनस थ्री में है इसको हाइड्रोलिस करोगे तो ये गैस जो देता है ये अमोनिया देगा मतलब टॉपिक का क्लास ए क्वेश्चन है जब कॉपर सल्फेट आप इसमें कॉपर सल्फेट में अमोनिया को पास कराओगे तो बेटा ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा इसका फार्मूला होता है, है ना टेट्रा एमिन कॉपर टू प्लस आयन और ये सल्फेट होता है बच्चों इसको बेटा हम लोग स्विटजर सॉल्ट भी बोलते हैं डीप ब्लू कलरेशन ऑफ द्लेक्स का फार्मूला ये है और इसको स्विटजर सॉल्ट भी बोलते हैं ठीक है इसमें पूछा है हियर द क्वारिनेशन नंबर ऑफ डीप ब्लू कलर कंपाउंड इज तो कितना क्वारिनेशन नंबर है चार तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों जीरो फोर यह आपको ध्यान देना है ठीक अगला क्वेश्चन बच्चों

अब ऐसे आप ये देखोगे यार इसका जीआई बना लो तो बड़ा सिंपल है दिख ही रहा है है ना ये है ना डाई है मतलब दो है यहां पर और ये देखोगे अनसिमेट्रिकल अनू है तो ये आपका सिस पे है है ना 90 डिग्री पे है एट नाइनटी डिग्री ठीक अब ए बी ए बी ये देखोगे ऐसा ए और बी ऐसा अब आपको कैसे सोचना है देखो ये ऐसा लगता है ना ये एक प्लेन में एक प्लेन में नहीं है ठीक है ये आपको ध्यान हो बच्चों ठीक इस तरह से ये ऑक्टाइड्रल जेल अब आप ये देखोगे तो ये ए बी अब देखो बेटा ये ए और ये ए मोनोडेंटेड एक क्या किसके सामने दिया है बी के ट्रांस में है और ये ए के ट्रांस में एक बार इसको इंटरचेंज करो तो ए आ जाएगा ये ऐसे कर दोगे और b आ जाएगा तो एक क्विन्टर चेंज करोगे तो यहां पर आपका a a आ जाएगा तो एक g i a हो जाएगा दूसरा g i a अब एक बार ऐसा करो इसको चेंज कर दो है ना इस वाले को यानी इसको पलट दो है ना तो ये b आ जाएगा और यहां पर a आ जाएगा देखो तो अब ये इस b के साथ ये जोड़ा बन जाएगा तो ऐसे करोगे तो तीसरा तो पहला दिया है दूसरा हमने इसको इंटरचेंज कर दिया और ये तीसरा हमने ए बी को इंटरचेंज कर दिया तो टोटल आप ये देखोगे बेटा सिस 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 में तीन तीन जी आई यानी सिस सिस बनेंगे इसकी सिस में ज्योमेट्री कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी अब अगला ट्रांस देखो तो ट्रांस क्या करोगे इस ए, ए को आप क्या करोगे है ना 180 पोजीशन पे है ना इसको प्लेस कर दो ठीक तो 180 पोजीशन पे जब आप प्लेस करते हो बच्चों देखो ए ए यहां चला गया ए ए यहां चला गया तो ये 180 डिग्री पे चला गया अब 180 डिग्री पे चला गया तो आप ये देखोगे ए बी ऐसा और एक बार ए बी ऐसा अब आप इसमें दिमाग लगाओ देखो ये क्या कर रहा है बच्चों ए का ट्रांस बी है बी का ट्रांस ए है ठीक एक बार क्या करो इस ए बी को या इस ए बी को दोनों में से कोई एक को चेंज कर सकते हो जरूरी नहीं है कि मैं इसको बोला आप चाहो तो इसको भी इंटरचेंज कर सकते हो तो अगर इसको मान लो इंटरचेंज किया तो आपने क्या हो जाएगा बी इधर आ जाएगा ए इधर आ जाएगा तो देखो बच्चों ऐसा तो अब क्या हो जाएगा इसका ट्रांस आप देखोगे बी के सामने बी आ जाएगा और ए के सामने ए आ जाएगा तो इस तरह से आप यह देखते हैं कि ट्रांस में भी दो जीआई बनेगा तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? तो यहां पर बच्चों तीन सिस में हो जाएंगे दो ट्रांस में हो जाएंगे तो आंसर उड बी जीरो फाइव ठीक है अगला क्वेश्चन ठीक है बच्चों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन तो हो गया बच्चों ये सॉरी हा क्वेश्चन नंबर सिक्स है तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में बच्चों एमंग दी फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज तो देखो बेटो इसमें डायमैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन चेक करना है किसमें है नहीं है देखो ये प्लेटिनम है प्लेटिनम प्लस टू है है ना ये 5d8 होता है बच्चों इसमें WFL आ गया लेकिन इसकी जेड इफेक्टिव होने के कारण ये क्या होता है यहां WFL का रोल नहीं होगा ये नेचर ऑफ CMI पर डिपेंड करेगा बच्चों और इस तरह से ये DSP2 स्क्वायर प्लेनर और ये डाया ये हो जाएगा ठीक O2 है बच्चों O2 टू मॉड से चेक करोगे इसमें टू अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार होता है बच्चों ठीक है यानी एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल ये मॉड का क्वेश्चन है ये पैरामैग्नेटिक होता है बच्चों ठीक इस तरह से आप इसको देखोगे बच्चों ये वाला देखो निकिल टू प्लस है निकिल जीरो है तो निकिल टेट्रा है बच्चों अब इसमें जीरो है तो जीरो का मतलब है यहां हम लोग वैसे निकिल मेटल का लिखते हैं 3d 8 4s2 लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना बच्चों कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो यहां पर चूंकि चार कार्बोनिल है ये SFL है ये बेटा पेयरिंग करेगा ये क्या करा देता है पेयरिंग तो ये S के इलेक्ट्रॉन को D में भेज देगा इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट क्या बोलते हैं रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ SFL पेयरिंग इज डन इन प्रेजेंस ऑफ SFL ध्यान रहे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 3D टेन की यहाँ पर एट की बजाय क्या हो जाएगा बच्चों टेन हो जाएगा अब ये देखो फोर एस और फोर पी मिल करके एस पी थ्री मतलब हमें ये हाँ की बात करनी है डाया तो देखो बच्चों तो डाया कौन कौन है देखो एक ये डाया है एक ये डाया है, है एनओ प्लस डाया है सी टू डाया है एन टू डाया है ये सारे है ना डाया है मॉड से आप जानते हो अकेला केवल ओ टू पैरा है ये है ना तो ये आंसर नहीं होगा तो टोटल इसका जो आंसर होगा बच्चों है ना गिन लो एक दो तीन चार और ये निकल वाला पांच तो ये टोटल हो जाएंगे ठीक है तो इस तरह से हमारा फिनिश होता है बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द मीजोटाइट्रिक एसिड इज ठीक है मीजो टाइट्रिक अम्ल का सर्वाधिक स्थाई सं, स्थाई संरूपण कौन सा है अगर हम लोग मीजोटाइट्रिक एसिड में एंटी कंफर्मेशन को देखें बेटा तो एंटी कंफर्मेशन केस में हमारे पास कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा ये हमारा एंटी कंफर्मेशन होगा और यहां पर सी ओ एच ग्रुप होगा यहां पर एक ओ एच ग्रुप होगा यहां पर ओ एच और एक यहां पर सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा सिंपल सी बात है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ओ एच ग्रुप है ये आपस में एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मीजोटाइट्रिक एसिड है उसका सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन जो आएगा दैट इज एंटी कन्फर्मेशन क्लियर है क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ओ OH एच ग्रुप के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफॉर्म हो रही है क्लियर ये हमारा क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर होगा कौन सा भाई सेकेंड अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन सोलह नंबर क्वेश्चन है <coughs> टिकल कौन सा पेयर जो है वो समान है या समरूप है तो यहां पर अगर हम लोग पेयर को देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट पेयर में हमें साफ दिख रहा है कि सी की पोजिशन और ओ की पोजिशन इस वाले फॉर्म सी और ओ की पोजिशन के क्या है भाई सेम है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वहां पर हमें सेम कन्फर्मेशन दिखाई दे रहा है बाकी सभी जगह हम लोग बात करें तो कंफर्मेशन अलग है देखो बेटा यहाँ पर बी आर की पोजिशन ये है सीएल की पोजिशन ये है और एच की पोजिशन ये है सी एस थ्री सी एल और एच यहाँ पर पोजिशन सेम दिख रही है लेकिन जब हम लोग इनका कंफर्मेशन ड्रा करेंगे आर आर एस दोनों के दोनों क्या आएंगे डिफरेंट इसके केस में भी सिंपल सा दिख रहा है ये दोनों एच सेम साइड है यहां पर दोनों एच अलग अलग साइड है यहां पर OH सेम है लेकिन ऊपर का ग्रुप CHO ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है कंफर्मेशन अलग-अलग दिखाई देगा तो ऑप्शन फर्स्ट में हमें आइडेंटिकल पेयर मिल रहा है क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा कंफर्मेशन क्या आ रहा है सेम आ रहा है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है ये हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि सभी को दिख रहा होगा एक मिथाइल एस्टर है इसकी रिएक्शन हम लोग 1 डिग्री अमाइन के साथ करा रहे हैं एसिटिक मीडियम की प्रेजेंस में

हमारे पास इसका रिमूवल होगा और सी एस थ्री एन एच टू अटैक करेगा सी एस थ्री एन एच टू अटैक करेगा किस पर बेटा कार्बोनिल पर ये हमारा विड्रॉ हो जाएगा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में और हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिल जाएगा बेटा थर्ड ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन हमें मिलेगा जो कि अमाइड है ये हमारा क्या आएगा भाई सही विकल्प है या सही ऑप्शन है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा थर्ड अगला क्वेश्चन हमारे पास एक एल्कीन है इस एल्कीन पर पी सब्स्टिट्यूशन सब हमें दिख रहा है और आईसीएल जो कि एक है, ये हमारा इस पर अटैक कर रहा है और ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का केस दिख रहा है अब आईसीएल जब कभी भी डिसोसिएट होगा तो आईसीएल जो कि हमारे पास एक इंटरहेलोजन कंपाउंड है इंटरहेलोजन कंपाउंड के डिसोसिएशन में हर समय इलेक्ट्रोफाइल वो बनता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब iodine हमारा क्या फॉर्म करेगा बेटा आई निगेटिव आई पॉजिटिव और सीएल करेगा क्या बेटा से हिसाब इस वाले कार्बन पर सीएल करेगा इस वाले कार्बन पर जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट आएगा करेक्ट वो क्या आ जाएगा बेटा सेकंड अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है विच ऑफ लीस्ट रिएक्टिव इन द न्यूक्लिक रिएक्शन विद एन्यच NUH के साथ में होने वाली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड हमारा सबसे वीक है या सबसे कम रिएक्टिव होगा सिंपल सी बात है जब कभी भी न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियो रिएक्शन होता है यहां पर पर हमारे पास पैरा लगा हुआ है और ये हमारा एनोटू है अगर हम लोग बात करें तो एनोटू की प्रेजेंस में एनोटू ग्रुप क्या कर रहा है बेटा माइनस आर इफेक्ट कर रहा है और जो हेलोजन है वो क्या कर रहा है माइनस आई इफेक्ट को दिखा रहा है सिंपल सी बात है जिस हेलोजन का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा वो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ज्यादा कम करेगा जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक और ज्यादा फिजिबल हो जाएगा इसका मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट हेलोजन के केस में आता है फ्लोरिन में मतलब फ्लोरोबेंजीन जो है वो पैरानाइट्रोफ्लोरोबेंजीन ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सिंपल सी बात है उसके बाद क्लोरो होगा उसके बाद ब्रोमो होगा और सबसे कम क्या होगा बेटा आइडो क्योंकि आइडो का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और आइडो के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होने की वजह से उसका रिंग के साथ में माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा कम होगा जिसकी वजह से हमारे पास सबसे लीस्ट रिएक्टिव आ जाएगा पैरा नाइट्रो आइडो बेंजी ये हमारे पास एक केस एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में हम लोग

जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म होगी ये कैसी होगी बेटा इवन सी बी मैकेजम होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन इवन सी बी मैकेजम के थ्रू एलिमिनेशन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी साथ ही साथ ड्यूटेरियम एक्सचेंज के वजह से रिकवर्ड प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आएगा अगर यहां से हम लोग एच को हटाते हैं तो यहां से ओ सी एस थ्री ग्रुप हमारा एलिमिनेट होगा जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा आएगा वो क्या आएगा फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा जो कि इलिमिनेटेड प्रोडक्ट है जो कि इलिमिनेशन की वजह से बन रहा है जो कॉज कर रहा है इथक्साइड आयन और ये हमारा ड्यूटीरियम एक्सचेंज के वजह से बनने वाला रिकवर्ड रिएक्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन क्वेश्चन इंटीजर है आपका नंबर ऑफ द रिएशन विच गिव द एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन में हमारा एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपको मिल रही है सबसे पहला हमारे पास दे रखा है पी डी टू पी टू साइनाइड को भी रिड्यूस कर सकता है और कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है मतलब ये साइनो ग्रुप को रिड्यूस करेगा और साइनो ग्रुप के रिडक्शन को करेगा साथ ही साथ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा इसको भी रिड्यूस करेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा डबल बॉन्ड के रिडक्शन की वजह से ये आया साइनो ग्रुप के रिडक्शन की वजह से हमारे पास वन डिग्री अमाइन मिला एन टू और इस ग्रुप के रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप से रिडक्शन से OH. मतलब, रिड्यूस करेगा बनाएगा किसमें करेगा, करेगा, किस बेटा एल्कोहल में तो पहली केमिकल रिएक्शन हमारी एल्कोहल को प्रोड्यूस कर रही है अब सेकंड को रिएक्शन में आते हैं सेकंड रिएक्शन का रीजल्ट देख के सभी को लग रहा होगा कि ये रोजन मोन रिएक्शन है और रोजन रिएक्शन में जो एसिड हाईलाइड या ऑयल हाईलाइड होता है उसके रिडक्शन की वजह से हमें एल्डिहाइड एज प्रोडक्ट मिलता है दीज रीजन आर नॉट एबल टू रिड्यूस डबल बॉन्ड सो दैट हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका प्रोडक्ट आया वो क्या मिल गया बेटा हमारे पास एल्डिहाइड, जिसे कि हम लोग बेंजेल डिहाइड कह सकते हैं दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अनदर मोन्ड सी ऑप्शन सी ऑप्शन में हमारे पास एल आई एल एच और टी एच एफ का केस आ रहा है एलआई और टी एच एफ जो है कार्बोनिल को रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस रिएक्शन से भी हमें एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल रहा है क्लियर है नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन डी आता है ऑप्शन डी में एन ए बी एच फोर और टीएचएफ दे रखा है एल आई एल एच फोर और टीएचएफ के जैसे ही एनए बी एच फोर और टीएचएफ भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा मतलब सिस्टम को रिड्यूस नहीं करेगा, को करेगा और इसके रिडक्शन से भी एल्कोहल मिलेगा और इसके रिडक्शन से भी क्या मिलेगा भाई एल्कोहल लास्ट केस हमारे पास आता है हमने लिया है सोडियम अमोनिया इन लिक्विड अमोनिया के साथ में हमने इथोक्साइड या <coughs> इथाइल को यूज़ किया है यहाँ पर इस NO2 का रिडक्शन रिडक्शन से किसमें कन्वर्ट मतलब किस हो जाएगा नॉन कंजुगेटेड में तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आएगा अमाइन का केस कुछ इस तरह का जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस विच गिव द अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आर कैलकुलेट करते हैं पहली रिएक्शन हमारी अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही है दूसरी प्रोड्यूस नहीं कर रही है तीसरे के दो तीन अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही है ये हमारा अल्कोहल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ रिएक्शन जो कि अल्कोहल बना रही है वो कितनी है तीन वो रिएक्शन कौन कौन सी है ए रिएक्शन सी रिएक्शन और डी रिएक्शन जबकि बी और रिएक्शन e हमारी एल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करेगी क्लियर है अगला मतलब क्वेश्चन की प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन के साथ इसका हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर रहे हैं तो ये डबल बॉन्ड रिड्यूस करके दो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है पहला हमारा सीएस थ्री आ जाएगा यहां पर और ये ऑलरेडी ये सी एस था दूसरा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बेटा प्लेन और बिलो द प्लेन वाला मतलब हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा पॉसिबल नंबर ऑफ जो आ, हमारे पास त्रिविम या स्टीरियोमर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं बेटा दो तो ये हमारा कितना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का दो आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ रिड्यूस प्रोडक्ट क्वेश्चन नंबर नाइन हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनके अंदर बेंजोनाइड सिस्टम होना चाहिए मतलब बेंजीन प्रेजेंस ही होनी चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C8H9NO रिएक्ट विद Br2 NaOH Br2 NaOH सीधा-सीधा हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है किसे भाई वन डिग्री अमाइन तो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूले से कौन-कौन से ऐसे बेंजोनाइड 1 डिग्री अमाइड पॉसिबल हैं हो सकते हैं जो रिडक्शन की वजह से हमारे अमाइन या वन डिग्री अमाइन को प्रोड्यूस करेंगे वन डिग्री अमाइड का यहां पर सीधा सा मतलब है कि नाइट्रोजन पर कोई भी नहीं है मतलब कोई अलकाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो अगर हम लोग इसका पहला फॉर्मूला बना लें तो ये हमारा बेंजीन हमने ले लिया फर्स्ट ये हम लोग एक सी एच टू ग्रुप को कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा C डबल बॉन्ड ओ यहां पर हमने लगा दिया NH2। नाउ हम लोग काउंट कर लेते हैं कि क्या हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो हमारे मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है

वन जेन वन डिग्री अमाइड को अपन यहां से रिड्यूस करेंगे तो ये सिंपल सा सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई अमाइन में और इससे बनने वाली अमाइन क्या होगी सी एच टू सी टू क्या बेटा एन टू मतलब ये वन डिग्री अमाइड को प्रोड्यूस कर सकता है मतलब ये पहला हमारा कंपाउंड होगा नाउ हमने बेंजीन ले लिया बेंजीन के साथ अमाइडो ग्रुप को यहां पर लगा दिया एनएच साथ में हमने पैरा पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप को लगा दिया देखते हैं भाई क्या यह मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है कार्बन वन कार्बन टू एंड सिक्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं तो वन टू थ्री फोर फोर हाइड्रोजन फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन हाइड्रोजन प्रेजेंट है मोलिकुलर फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है वन नाइट्रोजन है वन ऑक्सीजन है इसका भी रिडक्शन हम लोग कराएंगे हॉपमैन ब्रोमोमाइड के थ्रू तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वन डिग्री अमाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब ये वाला कंपाउंड भी हमारे गिवन मॉलिकुलर फॉर्मूले के हिसाब से बेंजेनोइड वन डिग्री अमाइड है जो वन डिग्री अमाइन को हॉपमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकता है सेकंड ये ऑर्थो बनाया सेकंड हम लोग थर्ड क्या बनाएंगे पैरा थर्ड बन जाएगा मेटा उसके बाद क्या बन जाएगा पैरा तो तीन तो यहां से मिल जाएंगे और एक यहां से तो हम लोग कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वन डिग्री बेंजेनोइड अमाइड विच प्रोड्यूस वन डिग्री अमाइड बाई द हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन दे आर टोटल कितने आ गए बेटा चार तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बेटा फोर क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास नंबर ऑफ द पॉसिबल इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑन हीटिंग विद द एनिय एनओएच के साथ गर्म करने पर अंतरा आणविक एल्डोल संगठन के द्वारा बनने वाले उत्पादों की संख्या जब कभी भी हमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल प्रोडक्ट को देखना होता है तो हम लोग एक छोटी सी बात को याद रखते हैं कि कितने टाइप के अल्फा एच हैं जितने अल्फा एच होंगे उतने ही एल्डोल हमें इंट्रामोलिकुलर में मिलेंगे तो यहां पर अगर अल्फा एच देखें तो ये एक अल्फा एच है दूसरा अल्फा एच ये है तीसरा अल्फा एच ये है तो तीन अल्फा एच डिफरेंट एच मिल रहे हैं तो इसका मतलब बनने वाले जो टोटल प्रोडक्ट होंगे वो क्या आएंगे भाई थ्री। Hello students, मैं दयाल चौधरी, का मेजर का का अपन करने जा रहे हैं यहां पैसेज आपको दिया गया है। इस पैसेज में आपको बता रहा है कि जो एनाइन होता है और होता है, उसमें पे करके उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है जिस वजह से क्या होगा कि आपके आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट को जनरेट हो जाएंगे क्लियर कि ये सिंपल सा पढ़ा मतलब ये पूरा पैसेज है है आपका रूल पे डिपेंडेंट जैसे इसमें बोल रहा है एज चार्ज ऑन केटाइन और ए नाइन इंक्रीज पोलराइजेशन इंक्रीज मतलब केटाइन और ए के बीच जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा चाहे केटाइन का हो चाहे ए का पोलराइजेशन पावर उतनी ही ज्यादा होगी और जितनी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी कोवेलेंट करेक्टर उतने ही ज्यादा होते जाएंगे साइज ऑफ केटाइन डिक्रीज पोलराइजेशन के लिए केटाइन की साइज चाहिए कम साइज ऑफ ए नाइन इंक्रीज ए की साइज चाहिए ज्यादा ये जैसे ही कंडीशन पूरी हो जाएगी तो कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे इसके अलावा विद विदो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन शोज हायर पोलराइजेशन पावर और अगर इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन आ गया एज कंपेयर टू इनर्ट गैस कॉन्फिगुरेशन उससे ज्यादा इसका पोलराइजेशन पावर होता है मतलब ये ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर देगा ऐसे ये पैसेज था इसकी हेल्प से आपको ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं विच वन इज मोस्ट तो ये देख लिए नॉन मेटल मेटल का है ये तो आपका तो ये तो आपका कोवेलेंट मोलिक्यूल ही हो गया यहां पे बात करें टाइटेनियम तो टाइटेनियम यहां प्लस फोर में है प्लस फोर में होने का मतलब है टाइटेनियम प्लस फोर तो ये क्या बन रहा है नियोन तक तो सेम मान लो फिर आपका 3S2, 3P6, 3d में भी इसके जीरो हो गया और में भी इसके जीरो हो गया और फोर एस भी जीरो अब यह है टीन प्लस टू में है और ये प्लस टू में होने का मतलब इसके अंदर एटीन एट प्लस टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगुरेशन है क्लियर कौन सा कॉन्फिगुरेशन है इसमें एटीन प्लस टू और पोलराइजेशन पावर देखो सबसे ज्यादा होती है 18 की फिर आती है एटीन प्लस टू की फिर आती है एट की और फिर आती है 2 की तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर यहाँ है तो इसमें आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा मिलेंगे राइट तो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाईएस्ट पोलराइजेशन इज ऑब्जर्व्ड सबसे ज्यादा पोलराइजेशन तो ये प्लस टू में है इनर्ट गैस पोलराइजेशन पावर ज्यादा है इससे तो ये तो गया अब ये लो यहाँ पे प्लस में है ये प्लस में इसमें भी एटीन इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन है इसमें भी एटीन कॉन्फिगुरेशन है तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये गया क्योंकि एटीन का पोलराइजेशन पावर ज्यादा है अब यहाँ पे ए नाइन कौन है क्लोराइड यहाँ आयोडाइड आयोडाइड की साइज लार्ज है किससे एज कंपेयर टू क्लोराइड तो ए नाइन जितना बड़ा होगा उसका पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको पोलराइजेशन देखने को मिलेगा ए जी आई में तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ जाएगा ए जी आई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पे आपको देक्ट है इज या आर आपका मोर देन वन आंसर आगे तो यहां से अपन देखते हैं इसको ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में वैसे तो ध्यान होना चाहिए आपको प्लस टू में होता है खैर अपन कैलकुलेट करना देखते हैं सोडियम की वैलेंसी वन होती है ऑक्सीडेशन स्टेट सॉरी कितनी होती है वन? तो दो सोडियम है तो इनकी तो टू हो गई आयरन की एक्स मान लो आप साइनाइड की माइनस वन होती है ऐसे कितने साइनाइड है आयरन के कॉम्प्लेक्स में आपका एज ओमसाइज पॉजिटिव लिगेंड यूज होता है ओवरऑल चार्ज इस पे शो कर रखा नहीं है इक्वल टू तो पर सीधा सीधा सा पता चल रहा है ये कितना आ गया टू प्लस एक्स माइनस फाइव प्लस वन तो एक्स इज टू कितना आ जाएगा प्लस टू तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहां पे आपका क्या है? करेक्ट है फिर इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर दो है दो कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब एस पी हाइब्रिडाइजेशन है और एस पी हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब ये लीनियर है तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है इसमें एस टू आपका वीक फील्ड लिगेंड का काम करता है और यहाँ पे आयरन प्लस थ्री में है आयरन प्लस में होने का मतलब वन टू थ्री फोर ये थ्री क्या हो गए फाइव वन टू थ्री फोर फाइव वीक वीक है है ये वीक है तो पेयरिंग होगी नहीं पेयरिंग नहीं होगी तो टी टू जी में जाएंगे कितने तीन और दो इसमें चले जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होना चाहिए आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट कोबाल्ट यहाँ पे प्लस थ्री में है कोबाल्ट प्लस थ्री में होने पर यह सिक्स होता है इसी को अब इसमें क्या होता है अगर ये आपका कैसा है सिंपल सी चीज स्ट्रॉन्ग है वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड होता है लेकिन ये काम करेगा यहां पर किसका स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, का काम करेगा कौन एस टू प्लस के कॉम्प्लेक्स में एस टू ओ हाइड्रोक्साइड और ऑक्जीलेटो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करते हैं तो पेयरिंग हो जाएगी यहीं पर आएंगे इलेक्ट्रॉन तो यहां पे दो डी खाली है अपने आप तो डी टू एस पी थ्री लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो आपका ये भी करेक्ट है तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये आपका है और सुप्रोक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवा रहे हैं। तो देखो याद रखो एक तो होता है ऑक्साइड एक होता है आपका परोक्साइड और एक होता है सुप्रोक्साइड जब भी वाटर से रिएक्शन करवाते हैं इनकी तो ऑक्साइड बनाता है बेस ठीक है होगा बेस प्लस एच टू ओ टू सुप्रोक्साइड बनाता है बेस प्लस एच टू ओ टू प्लस ओ टू प्लस तो आपका यहाँ पे सुप्रोक्साइड है तो के ओ टू है तो के ओ एच बन जाएगा एच टू ओ टू बन जाएगा और आपका कौन बन जाएगा ऑक्सीजन यही तो है ना तो आपका ये भी सही है ये सही है ये तो फर्स्ट सेकंड और आपका कौन सा आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा अब बच्चे अपने इंटीजर टाइप के क्वेश्चन सेना दो उनकी बात कर लेते हैं yeah. Among following, how many acids कौन से हैं जो डिस्प्रोपियट होता है देखो जब अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एसिड सेंट्रल एटम तो वहां पे सिर्फ डिहाइड्रेशन होता है वाटर के मोलिक्यूल निकलते हैं सिर्फ डिहाइड्रेट कर दो अगर लोअर और हायर के बीच में कहीं पे आते हैं तो वो डिस्प्रोपियोनेट होते हैं जस्ट अबो एक ले लेते हैं और बाकी लोअर जिसकी जिस हिसाब से एबिलिटी होती है उसके अनुसार उनका कर दिया जाता है जैसे ये माइनस वन में है तो ये तो लोअर में है इसका कुछ नहीं होगा ये प्लस थ्री में है ये डिस्प्रोपियोनेट हो जाएगा डिस्प्रोपियोनेट होके क्या बनाएगा जस्ट अबो एक और ये जाता है प्लस टू में एन ये प्लस फाइव मैक्सिमम में है ये नहीं होगा ये प्लस थ्री में है ये हो जाएगा कि इसमें पी एच थ्री बना लेगा और एच थ्री पी ओ फोर बना लेगा जस्ट अबो वीक में माइनस थ्री और प्लस फाइव डिस्प्रोपिनेशन हो गया ये प्लस फाइव प्लस टू में फिर ये आपका किस में आ गया प्लस फाइव में आ गया तो ये भी हो जाएगा एच सी एल बना लेगा और एच सी एल ओ फोर प्लस सेवन बना लेगा ये प्लस फाइव में इसका होगा नहीं तो इसका हो गया इसका हो गया ये प्लस सिक्स में इसका भी नहीं होगा तो कितने वन टू थ्री तो इसका आंसर आ जाएगा तीन फिर से देख लो एच आई का नहीं होगा एच एन ओ टू का नहीं होगा में नहीं होगा, तो होगा गर्म करने पर है. मतलब बना लेगा, गर्म करने पर हो रहा है पूरा ये नहीं होगा एसओ थ्री बना लेगा तो आपका आंसर इसमें तीन हो जाएगा N2O5 नेक्स्ट काफी सिंपल क्वेश्चन है ये द फर्स्ट फोर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एलिमेंट आर गिवन ये दिए गए तो हमेशा याद रखो व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम इनर्ट गैस गैसेशन आयनाइजेशन एनर्जी अब नॉर्मली इंक्रीज जब भी इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है आयनाइजेशन एनर्जी सडन बढ़ जाती है तो ये दो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो कम है फिर अचानक से बढ़ के कितनी पचास हो गई

इसके अंदर फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है फॉलोइंग एल्कोहल्स एस्टिफिकेशन रिएक्शन रेट इज फास्ट ठीक है तो है क्या है एस्टिफिकेशन रिएक्शन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर का फॉर्मेशन होता है जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है इसके अंदर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी करेगा और इसके ऊपर रिएक्शन कराएगा तो एल्कोहल तो की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए ज्यादा जा होनी चाहिए एल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर जहां पर स्टेरिक इंटरेंस ज्यादा होगा न्यूक्लोफिलिसिटी इसकी कम होगी क्योंकि तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो जिसके अंदर स्टेरिक इंटरेंस कम होगा उसकी न्यूक्लोफिलिटी क्या होगी ज्यादा स्टेरिक इंटरेंस किसके अंदर है फर्स्ट के अंदर सबसे कम आ रहा है इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी इस वजह से एस्टीकरण की रेट क्या होगी सबसे ज्यादा इसका आंसर जो आएगा बेटा कौन सा आएगा फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या कह रहा है बेसिकली ये प्रॉब्लम मिक्स प्रॉब्लम है इसके अंदर कोई एस्टर दे रखा है एनओ के साथ रिएक्शन करा रहा है तो जाहिर सी बात है अल्कलीन मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहलाती है और सपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर सोप का फॉर्मेशन होता है और सोप के साथ ग्लिसरॉल का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है तो बेसिकली प्रोडक्ट जो बनता है वो स्पेंट लाइक की फॉर्म में बनता है और इसके अंदर से अगर ग्लिसरॉल को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं रिड्यूज प्रेशर के अंदर डिस्टिलेशन का यूज करते हैं ठीक है तो इसका आंसर जो आएगा वो कौन सा आएगा सेकंड आएगा ठीक है सेक्शन बी बी सेक्शन में सबसे पहले हम बात कर रहे फर्स्ट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम की अगर विच ऑफ दी फॉलोइंग आर ट्रू इसमें से कौन सा ट्रू है पहला ऑप्शन क्या है? कह रहा है बेसिक कैरेक्टर ऑफ पीरिडीन इज मोर देन पायरोल पिरीडीन का स्ट्रक्चर ये होता है ये पिरीडीन का स्ट्रक्चर है और पायरोल का स्ट्रक्चर ये है इनमें आपको बेसिक कैरेक्टर पूछा है ये वाला रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा जबकि ये वाला रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा इसलिए ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन आराम से देगा ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे पाएगा तो जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरीडीन इज मोर देन पायरोल बात एकदम सही सेकेंड ऑप्शन फ्यूरेन एंड और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड फ्यूरेन का स्ट्रक्चर ये वाला होता है ये वाला स्ट्रक्चर फ्यूरेन का एंड थान के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर आ जाएगा ठीक है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन दो, दो दो चार दो छह पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि एरोमेटिसिटी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये वाला कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक होगा अगेन ये भी कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक तो सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा हेट्रो एरोमेटिक हेट्रो का मतलब क्या हुआ कि साइक्लिक के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम प्रेजेंट होना चाहिए तो दोनों के अंदर आ रहा है इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा सही होगा ठीक है अगला कह रहा है थ्रियोनिन कंटेन टू कारियल कार्बन बेसिकली थ्रियोनिन जो है एक अमीनो एसिड है बीस अमीनो एसिड होते हैं ट्वेंटी के अंदर दस अमीनो एसिड होते हैं और दस नॉन इसलिए अमीनो एसिड होते हैं थ्रियोनिन भी इसके अंदर एक होगा थ्रियोनिन का अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें ना तो थ्रियोनिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या आएगा ओ एच यहाँ पे सी एच यहाँ पे एन एच टू और यहाँ पे क्या सी एच इसके अंदर दो कारियल कार्बन मौजूद है तो यहाँ पे दो कार्यल कार्बन आ रहे हैं इसलिए आपका स्ट्रक्चर ये वाला क्या होगा थर्ड वाला ऑप्शन भी क्या होगा सही हो जाएगा अगला क्या क्या, क्या? बारबीटूरिक एसिडिटी ट्रेंक्यूलाइजर बारबीटरिक एसिड के डायरेबिटी सेकोनल वरोनल ल्यूमिनल है ये बेसिकली ट्रैंकुलजर के रूप में वर्क यूज होते हैं बारबीटूरिक एसिड बनाए जाते हैं मेलोनिक एसिड मेलोनिक एसिड की अगर मैं यूरिया के साथ रिएक्शन कराऊँ यूरिया का स्ट्रक्चर ये होता है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू और यहाँ पे क्या होगा एनएस टू यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है ना ये आपके पास कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे एन एच और यहाँ पे एनएच यहाँ पे डबल बॉन्डो ये वाला बारबिटूरिक एसिड है और इसके दो हाइड्रोजन हटा दिया जाए हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस करके हम अदर ग्रुप डाल दें तो इसके डेरिवेटिव बन जाते हैं इसके डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट सकोनल वरोनल एंड लुमिनल होते हैं जो कि एक ट्रैंक्योलाइजर के रूप में यूज होता है तो फोर्थ वाली बात भी सही है तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वन टू थ्री फोर्थ चारों आंसर करेक्ट हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला प्रॉब्लम क्या कह रहा है सी एस थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ठीक है इसका हमने हाइड्रेशन करा दिया तो हाइड्रेशन करोगे तो सी एस थ्री आ जाएगा यहां पे सी एच टू आएगा इसका अगर आप टोटो कराओगे तो क्या बन जाएगा एसिटोन बन जाएगा ठीक है अच्छा ये तो आपको पता है कि एसिटोन की कौन गोर के साथ रिएक्शन करोगे तो ट्राइमेशन हो जाता है जिसके अंदर ये जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास कौन सा बनता है जाइलिन प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे सी एस थ्री

एफ वाला कम्पाउंड क्या है, सही है, अगला, ए वैसे तो के होती है लेकिन आ, होता क्या है कि अगर आप हेवी मेटल आयन की प्रेजेंस में हाइड्रेशन कराते हो तो कुछ रिएक्शन हो जाती है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो कुल मिला के इसका आंसर जो आएगा सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा ठीक है भाई

जब आपके पास एक्टिव मिथिलिन ग्रुप दे रखा हो सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्डो के दोनों तरफ अगर बीच में सी एस टी ग्रुप दे रखा हो तो एक्टिव मिथिलिन ग्रुप होता है ये हेलोफॉर्म टेस्ट देता है तो ये वाला हेलोफॉर्म टेस्ट देगा सेम सी डबल बॉन्ड और सी एस टी वाला ग्रुप भी फॉर्म टेस्ट देगा ये नहीं देगा क्योंकि सी डबल बॉन्ड और सी एस वाला ग्रुप नहीं आ रहा है ये एक्टिव मिथिलिन ग्रुप आ रहा है ये वाला देगा ये भी एक्टिव मिथिलिन ग्रुप आ रहा है ये भी देगा ठीक है तो टोटल प्रोडक्ट इसमें जो हेलोफॉर्म टेस्ट देंगे वन टू थ्री एंड फोर तो इसका आंसर क्या रहेगा फोर

इसका का दे रखा है इसके लिए ग्रिग्नोड रेजेंट के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी देखो में यहाँ पे अटैक करेगा एक मोल की जरूरत पड़ेगी इसके केस में एक मोल सेकंड यहाँ पे अगर बात करिए तो एस्टर में यहाँ पे अटैक करेगा तो पहले एस एन टी एच रिएक्शन हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो एक तरह से ये वाला कंपाउंड बन जाएगा आर वापस आगे क्या बन गया कीटोन बन गया कीटोन के साथ फर्दर एक बार और रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो इसके लिए आपको दो मोल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आर एम जी एक्स एक एच प्लस को लेगा तो एक मोल इसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे देखो ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का देखो यहाँ पे ओ आ रहा है ठीक है ना यहाँ पे भी आर एम जी एक्स क्या करेगा एच प्लस को लेगा एच प्लस को लेगा तो यहाँ पे क्या ओ माइनस अब देखो ओ माइनस प्लस आई शो करता है और ये वाला क्या कर रहा है माइनस आई सेम कार्बन पे प्लस आई माइनस आई शो कर रहा हो तब तो ये इलेक्ट्रॉन दिए बिना रहेगा नहीं ये बिना रहेगा नहीं तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा एक एल डीएड के ऊपर वापिस एडिशन रिएक्शन हो जाएगी तो ये पे आर माइनस क्या करेगा इस जगह पर अटैक करेगा न्यूक् एडिशन रिएक्शन शो करेगा तो यहाँ पे आपके पास टोटल दो मोल ग्रिगनोट रेजेंट की जरूरत पड़ेगी तो बात यह है कि कितने मोल की जरूरत पड़ेगी एक मोल यहां पे दो मोल यहाँ पे टोटल तीन हो गए चौथा ये हो गया और दो यहां पे हो गए टोटल छ आएंगे तो इसका आंसर कौन सा है थी आएगा बढ़ा आएगा ठीक है तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया हेलो स्टूडेंट्स एडवांस का पार्ट सेकंड में केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का पैराग्राफ नंबर थर्ड हमारे पास है पैराग्राफ थर्ड में क्या दिया हुआ है एक हमारे पास सेल को कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ है सेल हमारे पास गिवन है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर इलेक्ट्रोड है बात है ये वाला जो पार्ट होगा यहां पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कर रहा होगा और इस वाले पार्ट में क्या होगा बेटा रिडक्शन मतलब हम लोग यहां पर जनरलाइज कह सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए कि यहां पर कन्वर्ट हुआ जेड एन टू पॉजिटिव में और इसने क्या निकाला टू इलेक्ट्रॉन्स को जबकि इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है Cu जो कि Cu2 पॉजिटिव आयन जो कि सॉल्यूशन में है दे एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स and they convert into the Cu means that is the reduction electrode and that is the oxidation electrode. ये दाइमरी इंफॉर्मेशन हम लोग इस स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हैं यहां पर हमारे पास जो डेटा गिमेन है वो हमारे पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल गिमेन है तो अगर हम लोग चाहें तो इसको जिंक के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव तो दिया हुआ है इसको हम लोग कह सकते हैं ई नॉट जेड एन कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है सबसे बेहतर तरीका होता है कि जो कंस्ट्रक्शन है उसी बेस पर चले माइनस प्लस में हम लोग बहुत बार कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं गलती हो जाती तो तो है, है, मतलब है, है तो यहां पर हम लोग इसको लिख लेंगे तो ये कितना आ जाएगा पॉजिटिव का गुड यहां पर हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कॉपर के रिडक्शन का ही है जो कि हमें चाहिए मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ये है तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर हो जाएगा बेटा ई नॉट ऑक्सीडेशन ई नॉट ऑक्सीडेशन जो कि जिंक का हो रहा है प्लस ई नॉट ऑफ क्या बेटा हमारे पास ई नॉट ऑफ रिडक्शन जो कि किसका हो रहा है कॉपर का हो रहा है तो यहां पर अगर हम लोग कहें तो कह सकते हैं कितना आ गया भाई 0.76 प्लस का प्लस हम लोग लिख सकते हैं जीरो पॉइंट क्या भाई थ्री फोर मतलब यहां से जब हम लोग निकालेंगे कि जो सेल पोटेंशियल हमारे पास टोटल के फॉर्म में आ जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा ठीक तो मिलेगा ठीक है अब आगे देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा हुआ है और हमारे पास कॉपर सेल यहां पर जो अमोनिया कॉपर का कॉम्प्लेक्स है उसका हमारे पास फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट भी गिवन है ठीक है हाँ जी अब हमारे पास

प्लस Cu2 पॉजिटिव पैराग्राफ में हमने पीछे देखा था किस में कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव और प्लस क्या था भाई Cu ठीक है ये हमारा सॉलिड ये हमारा एक्वस ये हमारा एक्वस सेल पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया था सेल पोटेंशियल हमारा ओवरऑल सेल पोटेंशियल हमारे पास कितना आ गया था बेटा 1.1 0.76 0.35 ठीक है अब हमें सेल पोटेंशियल निकालना है तो सेल पोटेंशियल क्या आएगा इसका ई e सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या बेटा सी यू टू पॉजिटिव ठीक है यहां पर अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें तो एक बार जरा पीछे देखते हैं कि वैल्यूज हमारे पास गिवन थी

ये कितना आ गया बेटा हमारे पास जीरो पॉइंट माइनस का सॉरी ये आ जाएगा माइनस का जीरो पॉइंट जीरो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज टू का लॉग ऑफ क्या लगाया बेटा हम लोगों ने टू अपॉन जीरो समझ में आ रहा होगा ये क्या वैल्यूएशन आ जाएगी हमारे पास दैट इज लॉग बेस्ट टेन हो जाएगा और इसको सॉल्व करके जब हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आंसर क्या आएगा वन पॉइंट जीरो एट वन आई थिंक समझ आ गया होगा कैलकुलेशन कर लेंगे क्लियर है अगला क्वेश्चन हमारे पैराग्राफ है। है, का सेल पर सेल का ईएमएफ क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है अगर हम लोग कैथोड कंपार्टमेंट में एड करते हैं तो बेटे का देखो इक्वेशन क्या बनेगी ट्वाइस ऑफ सी यू पॉजिटिव प्लस अमोनिया क्या बनाएगा बेटा कॉम्प्लेक्स जो हमें दे रखा था होल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आएगा प्लस का टू इक्वेशन बैलेंस करें तो फोर डन इनिशियली इसका कितना कितना था भाई मोल मोल और इसको ऐड किया है 1 mol, तो यहां पर ये यह क्या था जीरो रिएक्शन होगी जिससे कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट भी हमारे पास है फोर इंटू टेंस पावर क्या बेटा इलेवन ठीक है फोर इंटू टेंस पावर इलेवन ये बता रहा है सीधा सीधा कि रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉर्म कर रही है किसे भाई कॉम्प्लेक्स को ठीक इसकी सपोज हम लोग एक्स मान लेते हैं के बेस पर इसको कह सकते हैं कि फोर है। इसकी ये क्या है एक्स कंसेंट्रेशन है बची हुई कंसेंट्रेशन किसकी भाई कॉपर टू पॉजिटिव की आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स अब यहां से अगर हम लोग केएफ रख दें यहां पर तो केएफ हमारे पास कितना दे रखा था 4 10 क्या बेटा 11 ये हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की केएफ को लिखोगे तो इसकी कंसेंट्रेशन कितनी भाई 0.2 कितना भाई पावर 1 आएगा क्योंकि 1 मोल बन रहा है ये कितना भाई x ये कितना आ गया into हम लोग कह सकते हैं 1 0.8 की पावर कितना भाई 4 करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा जीरो पॉइंट टू अपॉन एक्स अंदर कितना आ ठीक है जीरो पॉइंट टू पावर कितना आ जाएगा फोर जीरो पॉइंट टू को कैंसिल कर लोगे यहां से तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वन अपॉन एक्स इंटू जीरो पॉइंट टू पावर कितना बेटा थ्री फोर की जगह कितना आ जाएगा थ्री यहां से के के साथ इक्वेट करोगे एक्स की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो एक्स की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई वन अपॉन फोर इंटू टेंस पावर इलेवन इंटू कितना भाई जीरो पॉइंट टू पावर कितना भाई थ्री इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास ये वैल्यूएशन मिल जाएगी थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंटू टेंस का इलेवन की जगह टेन ये हमारे पास कंसेंट्रेशन किसकी आ गई कॉपर की कॉपर टू पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया अमोनिया कॉम्प्लेक्स अब अगर हम लोग यहां पर पुट करें इक्वेशन को इसको मैं हटा रहा हूं अब हम लोग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इक्वेशन को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो देखो बेटा हम लोग क्या लिखेंगे भाई ई e सेल बराबर ई e सेल बराबर क्या आएगा भाई E सेल बराबर हमारे पास आ जाएगा नॉट सेल ठीक है ना नॉट सेल माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज था लॉग ऑफ किसकी कंसेंट्रेशन जेड एन टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन उसके बाद कंसेंट्रेशन ऑफ सीयू टू पॉजिटिव आयन नॉट की वैल्यूएशन हमें पता है नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास वैल्यू ऑफ ई नॉट इज 1.1 हमने निकाल लिया था नॉट ऑफ सेल को ठीक है को हमने कर लिया था, 11. तो ये हमारा आ गया क्या भाई ये आ जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट की वैल्यू प्लस का वन पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन वन अपॉइन टू लॉग ऑफ जेड एन पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन कितनी थी 2 अपॉन ये कंसेंट्रेशन किसकी आ गई 3.125 पॉइंट 10 टू माइनस टेन दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ऑन रिएक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया विद कॉपर आयन ठीक है एक मोल अमोनिया जो हमने मिलाई थी उसकी कॉपर आयन के बाद रिएक्शन के रिएक्शन होने के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद बचा हुआ कॉपर आयन कंसेंट्रेशन कितना है थ्री पॉइंट वन टू फाइव इंटू टे पावर माइनस टेन्यू तो निकलेबल टाइप की है लेकिन वैल्यू वैल्यूजल नहीं कर सकते अदरवाइज हम लोगों को पता है कि हमारा आंसर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि तो कोई ना कोई वेरिएशन होगा तभी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा बेटा चेंज होगा ना ठीक अब यहां पर वैल्यूज को अगर हम लोग पुट करें तो यहां से वैल्यूएशन हमारे पास कितनी आ जाएगी ओवरऑल जब ई सेल निकालोगे यहां से तो ये हमारे पास ईसेल आ जाएगा ईसेल बराबर ये आएगा 0.81 पॉइंट वोल्ट तो हमारा आंसर करेक्ट क्या आ जाएगा बेटा फर्स्ट अगर हम लोग उस वैल्यू को निगलेक्ट मार देते तो शायद हम लोग आंसर को कैलकुलेट नहीं कर पाते अगेन हम लोग फिर से आंसर क्या लिख देते जो हमारा लास्ट आंसर वन आया था ठीक है तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है कई बार आया है और आता रहता है ठीक है ये हमारे पास आईटी एडवांस में मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री का

f नेगेटिव आयन का जो रेडियस है वो 1.36 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो निम्न में से कौन से अनुमान सत्य हैं ये हमें कैलकुलेट करना है ठीक है ये हमें देखना है पहला हमारे पास Na पॉजिटिव की रेडियस दे रखी है 2.31 Na पॉजिटिव प्लस इंटर इंटरएटॉमिक डिस्टेंस क्या दे रखा है Na पॉजिटिव प्लस f नेगेटिव का डिस्टेंस दे रखा है तो ये क्या हो गया r ऑफ Na पॉजिटिव और ये क्या हो गया f ऑफ f नेगेटिव ये टोटल वैल्यूएशन है 2.31 जबकि हमारे पास आर ऑफ एफ निगेटिव क्या दे 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 रखा रखा है 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 फ्लोराइड आयन का रेडियस दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है कितनी 1.36 अगर हम लोग यहां से को, की रेडियस को निकालें और उसको एफ निगेटिव तो के साथ आंसर लगभग क्योंकि एक सॉल्ट क्रिस्टल टाइप का क्रिस्टल है पहला ऑप्शन करेक्ट कोई दिक्कत नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं

अब अगला है, पस, विल है, दर क्रिस्टल सही है। यहां से पता ही चल गया था मतलब थर्ड भी सही है है अगला बोला F- नहीं हो सकता क्योंकि Na पॉजिटिव और F- निगेटिव के इलेक्ट्रॉन जरूर बराबर हैं लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या है अलग अलग अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं हो सकता मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं आएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा वन टू एंड थ्री डन सिक्स क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ठीक बात बोला द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेंस पावर माइनस ट्वेंटी एट रेस्ट मास मतलब एम नॉट सही है इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 पॉइंट पावर माइनस एट होता है जिसे कि हम लोग रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं जनरली कैलकुलेशन में भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के इसी मास को कैलकुलेट करते हैं अगला है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विध इन इन दसिटी ठीक अब याद अगर हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए तो हम लोग रिलेटिव मास थ्योरी पढ़ी है रिलेटिव मास थ्योरी आपेक्षित द्रव्यमान सिद्धांत पढ़ा जो कि आइंस्टीन ने हमारे सामने रिप्रेजेंटेट किया था और वो सिद्धांत हमारे पास क्या था एम इज इक्वल टू एम नॉट रेस्ट मास है जो square. है कि अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी भाई इंक्रीज M, M करेगा कब जब हमारे पास वेलोसिटी क्या करेगी भाई इंक्रीज करेगी मतलब वेलोसिटी इंक्रीज तब कर जब इंक्रीज करेगी तो मास भी क्या करेगा इंक्रीज सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है अगला है द मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन का मास जो कि 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन्स पॉवर माइनस क्या था 28 ग्राम था दैट विल बी मल्टीप्लाइड अगर इसे गुणित किया जाए जीरो तो हम लोग इसके कैलकुलेशन से यही वाला नंबर प्राप्त मिल जाएगा हमें मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है नेक्स्ट है E बाई एम जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए सबको याद होगा 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन्स पावर माइनस टेंस पावर एट कुलाम पर ग्राम के फॉर्म में आ जाता है मतलब यह वाला भी क्या है ऑप्शन सही है मतलब ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट है सेकंड भी करेक्ट है थर्ड भी करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट है इंटीजर का पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि कंटेनर है जिसका वॉल्यूम हमारे पास फाइव जीरो फोर पॉइंट टू एम एल स्टील कंटेनर इज एडेड ट्वेंटी फाइव में ऐड किया है हमने 25 ग्राम किसको भाई कैल्शियम कार्बोनेट को टेम्परेचर राइस किया 1500 सो कैल्विन राइस टू वन फाइव डबल कंटेनर यूजिंग दॉन्डरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट दल कॉन्स्टेंट हमारे पास दे रखे हैं ये और ये, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा है केवल दो स्टेप का क्वेश्चन है अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट सी एम्पोज होगा बेटा, क्या बनाएगा? CACO जो कितना बनता है भाई? 56 ग्राम, इसका कितना बनता है भाई? 44 ग्राम, वन बन रहा है। यहां से पच्चीस के, के लिए तो इसका कितना आ जाएगा भाई हमारे पास मास के हो जाएगा सौ में फिफ्टी सिक्स तो कितना आ जाएगा? 56, सौ में फिफ्टी ग्राम बनता है मतलब 56 ग्राम फॉर्म वाई द हंड्रेड तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे तो ये कितने ग्राम आ जाएगा चौदह ग्राम और यहां से सीओ के अगर मोल्स को कैलकुलेट कर ले तो सीओ के मोल्स हमारे पास सीधे कितने आ जाएंगे पच्चीस बटा सौ जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट उतना ही है तो ये कितना आ जाएगा भाई जीरो मतलब इस इक्वेशन से पता चल गया कि 14 ग्राम क्या बना कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और 0.25 क्या बन गया भाई हमारे पास CO2 दो चीजें हमें मिल गई अब यार कैल्शियम ऑक्साइड कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा किसका पूरे कंटेनर के वॉल्यूम का तो भाई जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेगा वो निकालें तो डी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है कितना भाई हमारे पास वो दे रखा है 3.3 ग्राम पर सीसी मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहां से हम लोग निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो कि ऑक्यूपाइड होगा क्या हो जाएगा भाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मास अपॉन क्या भाई डेंसिटी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मास कितना भाई चौदह ग्राम डेंसिटी कितनी दे रखी है हमारे पास थ्री पॉइंट थ्री ग्राम और ये वॉल्यूम जो निकालोगे तो ये आएगा अबाउट हमारे पास फोर पॉइंट टू एम एल के आसपास वॉल्यूम तो भैया कर लिया किसने क्या ऑक्यूपाइड किसने कैल्शियम ऑक्साइड ने अब अवेलेबल वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसके लिए भाई सीओ के लिए क्योंकि जो बचा हुआ खाली वॉल्यूम में वहीं तो सीओ घूमेगा तो वॉल्यूम क्या था टोटल फाइव ठीक है भाई वॉल्यूम हमारे पास कितना था 540.2 माइनस हमने क्या कर दिया 4.2 सब लोग आसानी से सब्ट्रैक्शन कर लेंगे सीधा-सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास यहां पर ये यह हमारे पास आ जाएगा कितना 500 ml और 5 ml को अपन लिख सकते हैं 0.5 लीटर मतलब 0.5 लीटर क्या आ गया वॉल्यूम आ गया किसका CO2 का वॉल्यूम क्योंकि वही वॉल्यूम अवेलेबल है कंटेनर के अंदर घूमने के लिए अब किसके CO2 के? अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाए तो सभी ने पढ़ा था पी प्लस एन स्क्वाइनस एन बी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या था भाई एन आर टी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू क्या भाई nRT वैल्यूज पुट करेंगे ए की वैल्यू दे रखी है ये वाली फोर एन की वैल्यूएशन मोल्स कितने निकाले हैं जीरो पॉइंट टू फाइव उसके बाद हमारे पास V कितना है 0.5 लीटर यहां पर रखोगे 0.5 लीटर B की वैल्यूएशन दे रखी है नंबर ऑफ मोल पता है इस इक्वेशन में जब हम लोग पुट करेंगे तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा इसका फाइनल प्रेशर आ जाएगा 61.83 वन पॉइंट केवल वैल्यू को यहां पर पुट करना है और आंसर को कैलकुलेट कर लेना समझ आ गया बेटा इंटीजर का अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन दे रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ़ यूरिया था ठीक है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 1.05.3 को हमें कैलकुलेट करना है मतलब दो कंडीशन है कंडीशन नंबर फर्स्ट में और ये कंडीशन नंबर क्या है सेकेंड कह रहा है कि इस कंडीशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो कितना दे रखा है पांच सौ ठीक बात है ओके okay. इस कंडीशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है पाई टू इसको पाई वन लेते ले 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 हैं तो हमने सपोज मान लिया पहले वॉल्यूम क्या था वी वन बाद में वॉल्यूम क्या हो गया वी टू ठीक है पहले नंबर ऑफ मोल एन क्योंकि हमने केवल डाइल्यूट किया है हमने मोल के साथ कोई छिड़खानी नहीं की ठीक बात है नंबर ऑफ मोल एन थे यहां भी नंबर ऑफ मोल क्या है एन टेम्परेचर पहले कितना था टेन डिग्री तो टेन डिग्री का मतलब हो गया टी वन बराबर टू सेवेंटी थ्री प्लस टेन डिग्री मतलब हो गया कितना भाई तो ये हो गया, 25 प्लस 273. ये कितना आ जाएगा टू नाइनटी एट डन अब ये दोनों इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है मोल क्या है भाई सेम है हम सबको पता है कि हमारे पास इक्वेशन होती है इज इक्वल टू क्या बेटा सीआरटी CRT. मतलब लिख सकते हैं पाई बराबर बना ले तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास क्या भाई वन इंटू क्या भाई आर टी वन ठीक है V2 बराबर क्या आ जाएगा भाई एन अपॉन पाई टू इंटू क्या भाई आर टी टू ठीक है ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है सेकंड दोनों इक्वेशन को आपस में अगर हम लोग डिवाइड कर दें, द विल बी डिवाइडेड। अगर दोनों आपस में होंगी, तो यहां से आसपास मतलब तो हम लोग लिख सकते हैं वी टू बराबर क्या भाई फाइव वी वन डन तो डाइल्यूशन क्या हो जाएगा फाइव टाइम्स और आंसर कितना आ जाएगा पांच केवल इस इक्वेशन को आपस में डिवाइड करके वैल्यूज को पुट करना है